अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों हमें आज माचा लाइव स्टॉक पे अशरफ भाई के साथ में और हमेशा ही की तरह नायाब क्वालिटी आपको दिखाएंगे। बहुत यूनिक बकरे बकरियां रखते हैं हमारे अशरफ भाई फ्रॉम माचा लाइव स्टॉक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आपके बहुत प्यारे प्यारे बकरियां दिखाने वाले हम लोग, और रमजान का बहुत अच्छा एक महीना चल रहा है। सबसे बस दुआ की दरखास्त है जी, सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है, खासकर अशरफ भाई, हमारे लिए सबके लिए दुआ। सबको मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि नमाज पढ़ो, जितना वक्त है रमजान को आप बेहतर से बेहतर करो, क्योंकि रमजान का साल में एक ही बार मौका आता है, तो जितना हो सके नमाज इबादत में वक्त गुजारो और अपने सीरिया गाजा के लिए दुआ करो। ठीक है, तो आज वीडियो में क्या क्या देखने वाले भाई? ये वीडियो में ये सेमी इम्पोर्ट मादी यानी प्योर इम्पोर्ट की बच्ची आई है। अच्छा, टॉगन बग और क्या बोलते अपना सानिन की, ब्लैक कलर का सानिन, एक मैं वीडियो दिखा दूंगा, उसकी बेटियां है और टॉगन बग की बेटियां है, और आखिरी में इंशाल्लाह प्योर टॉगन बग फीमेल दिखाएंगे और एक इंडियन मादी भी दिखाएंगे। सही है, तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली इसमें सानियन टॉगन बग बस इस पे बात होगी। ये सारी बकरियां जो देखेंगे वीडियो में सारी की सारी एक ब्रीडिंग सेटअप की है। हाँ, ब्रीडिंग सेटअप की है। सब बकरियों का प्राइस इंशाल्लाह बताएंगे, अपन ये भी बताएंगे कि किस चीज़ में क्या पैसा रहता है और किस चीज़ में क्या नहीं पैसा रहता है। जैसे अभी अपन सिमिलर माल बताएंगे, उसका प्राइस बताएंगे, इंडियन मादी का भी पैसा बताएंगे, इम्पोर्ट मादी का भी पैसा बताएंगे। कैसा कितनी पब्लिक को अगर अपन प्राइस डिस्क्लोज करते हैं, जैसे लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपये मांगते हैं, तो किसी को समझ में नहीं आता कि ये माल का इतना पैसा क्यों मांग रहा है, पागल हो गया, कमेंट में उन लोग ब्ला 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 लिखते हैं, तो अपन उन लोग को बताएंगे कि माल की वैल्यू क्या होती है, माल की वो कीमत क्यों दी जाती है और उसको वो इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। सही, पहली बार इतना खुल के कुछ बातें होंगी इंशाल्लाह। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहली बकरी दिखाओ आप। सो दोस्तों, जो काफ़ी मिसकंसेप्शन आज दूर होंगे ये सब नस्ल के बारे में, ये सब मादिया है भाई, ये है ना भाई, मादिया है, इम्पोर्ट की बेटिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो इम्पोर्ट आते हैं यहाँ पर इंडिया में, ठीक है, जब वो ब्रीड होते हैं तो उसमें से जो नस्ल निकली है वो है। क्या एज पे आएगी अभी भाई? अब भी दो दांत लगाई है, अब भी एकदम चेहरे की एक नंबर है, चपटे चेहरे की, कट फेस की है, बफ है, सिंग है, रिबिट है, बराबर कान क्वालिटी है, मादियों में सब टैंगी सिस्टम है क्योंकि फार्म की मादी है, बराबर, तो प्रॉपर नंबर के साथ है, तो 113 नंबर है। ये अभी गाबन है कि खाली? नहीं, सब खाली मादी, सब खाली। हाँ, तीन मादी इसमें टॉगन बक की बेटी है और तीन मादी इसमें ब्लैक सैनिन की प्योर इंपोर्ट है, थाईलैंड की बेटी है। सही है, क्या आप इसका मांग रहे भाई? भाई इसका 36,000 मांग रहा हूँ। 36,000 मांग रहे, ठीक है दोस्तों, नस्ल है, ठीक है, ये इंडिया में ही पैदा हुई है माशाल्लाह, दो दांत पे, अभी आप अपने हिसाब से जिससे लोड कराना करा सकते हैं। 36,000 इसको आप बोलेंगे कि जो इम्पोर्ट की बेटी है? इम्पोर्ट की बेटी है। सही, एक होता है डायरेक्ट इम्पोर्ट। नहीं नहीं, डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं, इम्पोर्ट की बेटी है, ब्रीडिंग सेटअप का माल, ब्रीडिंग सेटअप का माल। चलो, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट कीजिए इंशाल्लाह अशरफ भाई से, मोर डिटेल्स के लिए देख लीजिए आप बकरी अच्छे से। पूरी गुलाबी मादी है, ये हीट पे भी आ रही होगी मेरे हिसाब से, हीट पे शायद आ जावे। हाँ, आ जाएगी तो तुम्हारी तकदीर। 36,000 ये निगोशिएट। हाँ, निगोशिएट और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये बाकी स्टेट्स में नहीं देखने मिल रही है, तो ये एक अच्छा मौका है अशरफ भाई के पास से, आप एकदम जेन्युइन तरीके से परचेस कर सकते हो। बांध दीजिए अशरफ भाई। वाह, तो क्वालिटी डिफरेंस भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसकी सिंग मार्बल थी है ना भाई? उसकी सिंग मार्बल थी, और ये ब्लैक सैनिन से आई है ना, ये धारी वाली सिंग आई, ये धारी वाली सिंग है और ब्लैक सिंग है, मतलब ब्लैक है और पीछे से व्हाइट भी दिखेगी, पीछे व्हाइट भी है, ये छीटे में, ये पूरी व्हाइट और पूरी गुलाबी नहीं है, वो पूरी व्हाइट पूरी गुलाबी थी। सही है, तो दो नर के ये बच्चे हैं। हाँ, दो नर के बच्चे, एक इसमें बाप जो है ब्लैक सैनिन है और एक टॉगन बग है। ये भी दो दांत लगा दिए, दो दांत रीसेंट, ये सब एक ही झोल या एक ही टाइम की बकरियां, मैं बता दूं आपको, दो दांतों खड़े सिक्कों में आ रही है, खड़े सिक्के में, बहुत क्लास मादी है और रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी मादी है, ये लगाएंगे तो अच्छे इंशाल्लाह बच्चे, इंशाल्लाह बड़े बड़े जो आपके सानियन है वो आप ब्रीड लो, इंशाल्लाह अच्छे बच्चे आएंगे। कितने में देंगे आप ये?
ये भाई 33,000 में, 33,000 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगी, खाली है अभी। हाँ। जिसको जैसे नर्स से लोड कराना करा सकते हैं। ठीक है भाई, छोड़ दो इसको भी। तो माचा भाई तीसरी बकरी देख रहे हैं, इसके पहले जो बकरी दिखाए थे वो 101 नंबर थी, ये 118 नंबर है। पर माचा भाई एक बात बोलूंगा। हाँ। जरूर कॉमन एक चीज है, सबकी सिंग खड़ी है, सबकी सिंग खड़ी है, क्योंकि बाप इन लोगों का खड़ी सिंग है भाई। मतलब फिर भी एक बात रहती है ना, कभी आती है कभी नहीं भी आते, पर एक कॉमन बात देख लिया मैंने, सबके सिंग 11 नंबर ही है, बिल्कुल खड़े हुए सिक्के। ये भी दो दांत पे माचा भाई, ये शायद अदंत है, अदंत है, बारीक दांत है, बारीक दांत है। और अभी इंशाल्लाह और टाइम भी लग जाएगा, एक दो महीना है। सही है, थोड़ी खाली माल जैसा खिलाई पिलाई तो थोड़ा टूटा है। सही है, बाकी माल क्वालिटी है, माल अच्छा है माशाल्लाह। ये कितने में देंगे अपन? ये भाई 30,000 रुपए, 30,000 रुपीस। सानियन फीमेल खड़े सिक्कों के अंदर अदंत है, अभी आगे चल के आप इंशाल्लाह काफी फायदा उठा सकते हैं, 30,000 रुपए। ठीक है भाई, ओके। सब अलग अलग नंबरिंग है दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो। ये 116 है, 116 नंबर है। हाँ। खड़े सिक्कों में अगेन चेहरा देख लो आप इसका, ये भी कट फेस की है, अदंत, इसके दांत लगा दिए, गैप की है, दांत लगा दिए, लगा दिए। हाँ, अभी एक दांत, आधे दांत पे समझो यार। जो है वो सच बोल के देंगे अपन, टेंशन नहीं है। ये तो सब एक ही टाइम की बकरी है ना भाई? हाँ, एक ही टाइम की बकरी, कुछ ऊपर नीचे हुई है, लेकिन जो हक है और जो सच है अपन वही बोल के देंगे ना। अपन बोल देंगे अदंत दांत जाएगी तो अपना इमेज और खराब हो गए, जैसा अपना काम कर रहे अपन। तो दोस्तों अभी आप बोल सकते हैं कि एक दांत पे है बकरी के, खड़े सिक्के देख सकते हैं, व्हाइट के अंदर है बकरी, खाली बकरी है, कान भी अच्छे हैं। कितने में देंगे आप ये भाई? ये 28,000 रुपए में, 28,000 रुपीज आस्किंग इसको। पूरी सानियन बकरी है, सही। ये अदंत है, पांचवी बकरी है, देख लो आप, 6 से 7 महीने की है। अच्छा, मतलब ये बहुत यंग है, कान वान की बहुत अच्छी है, लोग से बहुत बेहतर है, लंगड़ की छोटी है थोड़ी, और सिंग की अच्छी है, सिंगिंग की बहुत अच्छी, अभी से रिपीट है। 6 से 7 महीने की अदम बच्ची है दोस्तों, अभी तो बहुत शानदार, आगे के लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर किसी को चाहिए तो। क्या मांग रहे हैं इसका? 25,000 रुपए में चलेगा, 25,000 आस्किंग रेट है, जो किसी भाई को चाहिए इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करे। तो अशरफ भाई, ये एक बकरी है जो, ये भाई टॉगन बक की बेटी है। अच्छा, मुंडी है, जल्दी कोई मुंडी पकड़ता नहीं है। हाँ। ये बरबर अरबे पे भी लगाएंगे तो भी अच्छी है, या फिर अगर तुम्हारे को रिजल्ट है सानिन का, सानिन पे लगाओ, लेकिन बरबरे पे आएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि टेडी आएंगे, टेडी का पब्लिक शॉक कर लेती है। सही है, मतलब टॉगन बक की बेटियां, ये भी बताना जरूरी है लोगों, और ये नस्ल में रहता है, फिर आगे चल के टॉगन बक भी बच्चे आ जाते, बच्चे आ सकते, कलर्ड बच्चे आ सकते, क्योंकि देखो ना बिस्किट कलर है उसके बदन पे, ऑफ वाइट कलर की है। ये दांत की है क्या भाई? हाँ, दांत कर लिया, दो दांत, दो दांत बच्ची है, खाली है ना, मुंडे के अंदर है, जैसा भाई ने बताया बर्बरियों के लिए सही रहेगी। ये कितने में देना आपने? 23,000 रुपए मांग रहे इसके, 23,000। माशाल्लाह, ये भी अच्छा ग्रोथ लेगी। हाँ। ये भाई खाली खाली माल थोड़ा खिलाई पिलाई से टूटा है, डीवॉर्मिंग करेंगे थोड़ा, छोड़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ग्रोथ करेगा माल, इंशाल्लाह चलेगा। तो लगभग ये सारी बकरियां देख लिए, दो बकरी और टॉगन बक देखेंगे ना अपन। तो दोस्तों ये एक और बकरी देख लो आप, ये भाई ये इंडियन मादी है, किट के साथ में। हाँ, ये इंडियन मादी है, सानी जैसे कल की मैं वीडियो देख रहा था आपकी, निजाम भाई की, वो मेंढे के ऊपर बन रही थी वीडियो, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह देखा मैं। निजाम भाई ने एक बात बताया थे, बड़ा मेंढा भी छोटी कीमत में आता है, और कोई कोई छोटा कीमत भी बड़ी कीमत में आता है, तो ये पब्लिक को दिखाना है, क्योंकि कोई कोई पब्लिक का खुला पैसा बोलो ना तो लोग कमेंट करते हैं या बोलते कुछ भी मांग रहा है, बराबर समझ रहे। तो ये बकरी 16,000 रुपए की, बकरी बच्चा और बकरी भी 2 महीने की गाभन है, 16,000 में बकरी बच्चा और बकरी भी 2 महीने, और उसमें भी निगोशिएबल, उसमें भी निगोशिएबल, बच्चा नारे मादी, मादी है, कोटा गुलाबी मादी है। सही है, ये 4 दांत की बकरी, इसमें सोजत लगा हुआ है, अभी अभी जो लोड सोजत लगा हुआ है। 16,000 में निगोशिएबल भी है, और साथ में दोनों आएंगे। हाँ, और उसके बाद कमिंग सून बच्चा भी आएगा, कमिंग सून। माशाल्लाह, अब आपको दिखाएंगे महंगा माल। अच्छा, तो मतलब जिसे इंडियन बोलते हो, तो हाँ। इंडियन कैसे बने? इंडियन ये सब पूना की, चाकन की, जो मंडिया मंडिया की आती मादी है, सानियन से बने ना, सानियन से बोले तो क्रॉस ब्रीड होते 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 जो कम सारी मादी रहती है ना, अपन उसको इंडियन बोलते हैं, जो अपन ने ईजाद करे जो ब्रीड को। हाँ। जैसे कोई मादी रहती है, अपन ने कुछ मार दिए, अपने को नहीं मिला, मेरे पास सानियन मादी है, मेरे पास नर नहीं है,
मैंने सोजत मार दिया, समझ रहे तो ये ऐसा कम सरे कर कर इंडियन की एक ब्रीड बन जाती। अपन लोग जैसे खिचड़ी मटर बनाते तो इंडियन ब्रीड बोल देते। सही है यार, मतलब ये सब सीखने वाली बातें आपसे माशाल्लाह। चलिए अब दिखाएंगे सबसे टॉप मार। तो दोस्तों आपके सामने पेश कर रहे हम लोग माशाल्लाह बहुत ही उम्दा नस्ल, क्वालिटी, सिंग, सिक्के, कलर, मतलब हर चीज होती है फिर उसमें। भाई जैसे कल निजाम भाई की वीडियो में देखे थे वो कबरा, आज तक उन्होंने बोले कि वैसा मेंढा आया नहीं। वैसे आज तक मेरे 8-9 साल के करियर में ऐसी मादी उतरी नहीं। यानी ये कान पे कलर, ये सिंग पे कान, सिक्के, चेहरा, सिंग, लोलक परफेक्ट जो मार्किंग रहती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कुदरतों से नवाजा। खुर भी चारों मार्बल है माशाल्लाह माशाल्लाह। चेहरा देखो ना एकदम जबरदस्त, कान की क्वालिटी आती नहीं भाई माशाल्लाह। और सिक्के ब्लेड की तरह, अल्लाह ताला नवाज देवे, किसी के पास होगी तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, एक आएगी तो उससे बड़ी अल्लाह ताला फिर देंगे अपने माशाल्लाह। क्या बात है, इसकी एज क्या है? ये 8 महीने की है। परफेक्ट, इतने उठे कान में मैं भी नहीं देखा आज तक। मैं 8 मंथ्स की, 8 महीने की है। क्या बात है माचा भाई, उसने भी सलामी दे दी माचा भाई। सो ये भी अब फॉर सेल है कि ये फॉर सेल है? दे दोगे? इसका रेट बताना चाहते हो? बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा। जब मैं ईमानदारी से जरा डंडा कर रहा तो मैं क्यों डरूं? सही है, 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 2 लाख रुपए, 2.5 लाख बोले थे, बड़ी वाली वो बिक गई अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, क्या क्वालिटी है देखो आप, ये क्वालिटी आपको देखने मिल रही है माचा लाइफ स्टॉक पे इन नागपाड़ा। अपनी कोई ताकत नहीं, अल्लाह ने दिखाया है, अल्लाह ने दिलाया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, बकरी पूरी सेट है। तो एक गार्ड साथ भेजना पड़ेगा भाई, 2 लाख के एक गार्ड पूरा रास्ते भेजना पड़ेगा, चलेगा माचा भाई। और क्या देखेंगे इस वीडियो में माचा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पकड़ के रखो आप, एक बार इसकी रील भी बनाएंगे अपन। आप है ना, एक बार आपका नंबर दे दीजिए लोगों को, 8976377515 इंस्टाग्राम आईडी है भाई का, बहुत फेमस इंस्टाग्राम आईडी लाइफ स्टॉक। मेरा कुछ नहीं है भाई, सब अल्लाह है, अल्लाह की मर्जी है, अपन अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला किसी को इज्जत देते किसी को जिल्लत देते, अल्लाह की कुछ नजर में आए होंगे, अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ने इज्जत दी है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।